मॉनसून की कर ले तैयारी, बारिश के लिए आईएमडी ने क्या बताया, आपके शहर कब आएगा मॉनसून। एक तरफ जहां उत्तरी भारत से लेकर यूपी बिहार वाले क्षेत्र तमाम इलाके गर्मी की भारी मार झेल रहे हैं, वहीं पर अब मॉनसून को लेकर बड़ा अपडेट है। उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत को अब तक भीषण गर्मी की सजा मिल रही है, साथ ही सप्ताह राहत मिलने के आसार कम है। हालांकि बिहार, झारखंड और ओडिशा समेत कई प्रदेश ऐसे हैं जहां छिटपुट बारिश से मौसम सुहाना होने वाला है। अब राजधानी दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में अभी ऑरेंज अलर्ट जारी है, यानी कि आपको गर्मी का सामना करना पड़ेगा, पारा हाई नजर आएगा। लेकिन मानसून की बात करें तो दिल्ली में मानसून को अभी समय है, ये 29 जून के आसपास दिल्ली में दस्तक देगा और आपको झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश बिहार की बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में जून के तीसरे सप्ताह के आसपास मानसून की दस्तक होगी, इसके बाद ही गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने मंगलवार रात जानकारी दी। अगले 5 दिनों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा में छिटपुट से मध्यम बारिश होगी। इसके बाद अन्य क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में इजाफा होगा। इस दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं बारिश होनी है। वहीं बात करें पूर्वी हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के अधिकांश राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने ये भी बताया कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटों में यानी कि सीधे तौर पर गुरुवार शुक्रवार के दिन तेज बारिश हो सकती है। मानसून की प्रगति के लिए स्थितियां अनुकूल है। मंगलवार को दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी अरब सागर, गुजरात के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों और तेलंगाना की ओर आगे बढ़ गया। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के आदिलाबाद, नरमिल, रंगारेड्डी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेडक, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर, कुरनूल, वानापार्थी, नारायणपेट और जोगुलुम्बा में बारिश होगी। गढ़वाड़ जिलों में भी अलग अलग स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। राज्य के निजामाबाद, राजन्ना, सिलसिला, करीमनगर, जयशंकर, भूपापल्ली, मुलुग, भद्रादी, कोठागुडेम, महबूबाबाद, वारंगल, हनमकोंडा, सर्दीपेट, रंगारेड्डी, मेडचल और विकाराबाद जैसे इलाकों में बारिश होने के आसार हैं। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार तीनों दिन ऐसा ही माहौल रहने वाला है। अब गर्मी के बारे में कुछ बात कर लें तो एमडी ने जानकारी दी कि उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, ओडिशा के कुछ इलाकों में 5 दिनों के दौरान हीट वेव की संभावनाएं हैं, यानी कि इन इलाकों में आपको बारिश अभी देखने को नहीं मिलेगी और गर्मी आपको परेशान करती रहेगी।